उपचुनाव की जंग में सनातन पर चल रहे बवाल का असर पड़ने का आशंका जो है वो जताई जा रही है और घोसी और बागेश्वर में मंगलवार को मतदान होगा, इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सनातन पर विपक्ष का अटैक, उपचुनाव की जंग पर इफेक्ट। घोसी और बागेश्वर उपचुनाव की जंग में मंगलवार को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु से सनातन पर उठा बवाल किसी बवंडर का रूप लेता नजर आ रहा है, जिसका इफेक्ट उपचुनाव की रण पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की सनातन को लेकर सोच सामने आ गई है। इस बीच इंडिया गठबंधन की साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए घोसी में समस्याएं बढ़ गई हैं। बीजेपी लगातार उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खड़गे के बयानों को लेकर हमलावर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिया गया बयान अत्यंत ही निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह दर्शाता है कि जो INDA गठबंधन बना है, इस गठबंधन की घटिया सोच को दर्शाता है कि यह गठबंधन सनातन के बारे में किस प्रकार के विचार रखता है। सनातन के अन्य गठबंधन के सहयोगियों के द्वारा इस पर कोई बयान न दिया जाना, ये उनकी सोच को दर्शाता है, बल्कि इसमें उनकी चुप्पी साधना, निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सनातन शाश्वत है, सनातन वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता, यह अनादिकाल से है, अनंत तक रहेगा। इन दोनों नेताओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, आज उनसे एक सवाल है, इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। मैं मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद, इस देश का एक कलाकार, मैं प्रार्थना करता हूं सभी सनातन धर्म के लोगों से कि इस पे आप बिल्कुल अपना आपा मत खोना। ये देश में अशांति फैलाने का, नफरत फैलाने का इनका एक प्रयास है, और हम जितने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर सकते हैं करेंगे। इधर बीजेपी लगातार उपचुनाव की जंग में जीत का दावा भी कर रही है। घोसी में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, एक तरफा चुनाव है, समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई नहीं, इनकी गुंडई से लोग उभे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी घोसी में पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप तो लगा ही रही है, साथ ही जीत का दावा भी कर रही है। जो चुनाव हो रहा है घोसी का, तो बहुत सी शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोसी और गोपागंज थाने हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह, ये मोहल्लों में जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। आज पूरे देश में जहाँ नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, वहीं महंगाई से देश की जनता की कमर टूट चुकी है। आज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई, अलबत्ते किसानों को महंगाई की मार से जहां उनकी कमर तोड़ दी, वहीं पर किसानों को कृषि संबंधी हर चीज को खरीदने के लिए ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा घोसी के रण में पानी की तरह पैसा बहाने का मुद्दा भी उठ रहा है। NSP और बीजेपी की सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियों के 100 से ज्यादा नेता 15 दिन से घोसी में डटे हुए हैं। घोसी उपचुनाव बताया जा रहा है कि अब तक के सबसे महंगा चुनाव है, तमाम पार्टियों ने खूब देखिए, हम लोग चुनाव आयोग की जो आचार संहिता उसके तहत ही काम कर रहे हैं। देखिए, घोसी उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से जीतना चाहती है। मंत्रियों की पूरी फौज घोसी उपचुनाव में लगी हुई है, भाजपा के सारे कार्यकर्ता वो घोसी उपचुनाव में लगे हुए हैं। पैसा पानी की तरह भारतीय जनता पार्टी बहारी, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। घोसी सीट दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर बेहिसाब पैसा खर्च करने का आरोप लगा रही हैं। हालांकि सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का ये पहला ऐसा उपचुनाव है जिस उपचुनाव में इतने बड़े स्तर पर धनबल का प्रयोग देखा जा रहा है। घोसी विधानसभा के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हैं। घोसी में मंगलवार को मतदान होगा, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बने हैं। 4,30,394 मतदाता वोटिंग करेंगे। 3 उड़नदस्ता, 3 वीडियो निगरानी टीम लगाई गई। किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकेंगे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकेंगे मतदान। पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र से कर सकेंगे मतदान। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक मतदान पर निगरानी रखेंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी। बहरहाल मतदान की तैयारियां पूरी हैं। मंगलवार सुबह से वोटर